शाहिद गुल हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा फ़लसफ़ा की जो इंचार्जशिप है वो मेरे पास है। रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो मुख्तलिफ मजामीन में पोस्टें अनाउंस हुई हैं उसमें फ़िलासफ़ी की भी पोस्टें शामिल हैं, जो कि मेल साइड पे 3 और फीमेल साइड पे 3 पोस्टें हैं। सबसे पहली बात ये है कि स्टूडेंट्स ने, जो हमारे यहाँ से फारग तहसील स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यकीनन इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। उसके लिए उन्हें क्या तैयारी करनी है या किस तरह से उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अपेयर होना है, वो मैं उसकी थोड़ी सी तफसील बताऊँगा, को रहनुमाई करूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मज़मून की जो अहमियत है, जो सिग्निफिकेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँ। फिलॉसफी अगर आप उसको उसके लफ्ज़ के हवाले से देखें तो ये इसको हुब दानिश कहा जाता है, या फिलो विच मीन्स लव और सोफिया विस्टम। तो हिकमत जिससे मोहब्बत का एक दर्स दिया जा रहा है, या विस्टम जिससे एक हमें ये कहा जाता है कि हमने उसकी जस्तजू करनी है। मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में जहाँ पे लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त जैसी चीज़ें पैदा हो गई हैं, या किसी जो इख्तलाफ़ राय जो एक नुक्ता नज़र होता है उसको लोग अपने लिए एक मुखालफत या एक एनिमिटी जो समझना शुरू हो गए हैं, फ़लसफ़ा इस किस्म के रवैये जो हैं जिसमें कि किसी के दूसरे फ़र्द के नुक्ता नज़र को कोई अहमियत नहीं दी जाती, फ़लसफ़ा बतौर मज़मून हमें इस चीज़ की दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगी से इस किस्म का जो अदम बर्दाश्त का जो रवैया है इसको ख़त्म करें। चीज़ों को इस्तदलाल के ज़रिए से फ़िक्री सतह के ऊपर, अकली सतह के ऊपर, और फिर मंतक जो है, जो लॉजिक जो है, इसके जो दिए हुए पैमाने हैं इन पे परखना और एक क्रिटिकल नुक्ता नज़र जो है अपनाना चीज़ों के बारे में, फ़लसफ़ा हमें इस चीज़ की दर्स देता है। और मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी मज़मून को ले लें, अगर आपने उसके अंदर कोई रिसर्च करनी है तो अल्टीमेट जो हमें एक एकेडमिक डिग्री दी जाती है उसको डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी कहा जाता है, कि फ़लाँ कैंडिडेट ने फ़लाँ सब्जेक्ट के अंदर जो है उसके फ़लसफ़ा जो उसकी बुनियाद या बुनियाद है किसी भी सब्जेक्ट की, उसके बारे में उसने रिसर्च की है। तो चूँकि फ़िलासफ़ी हमें क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड करती है, फ़िलासफ़ी हमें किसी दूसरे नुक्ता नज़र रखने वाले के बारे में जो हमारा एटीट्यूड है, वो बर्दाश्त का एटीट्यूड हमारे अंदर पैदा करती है, तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये मज़मून इस हवाले से। देखें, हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी, अब आप देखें ना, आईटी बहुत ज़्यादा आ गया, आर्टिफिशियल ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन सोसाइटी को समझने के लिए, माशरे को समझने के लिए फ़लसफ़े की जो सूझबूझ है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि एक फ़िलासफ़ी में जिसमें हम एथिक्स की बात करते हैं कि हाउ वन शुड लिव, विच इज़ अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ फ़िलासफ़ी, हमें ज़िंदा किस तरह से रहना, तो फ़लसफ़ा हमें ज़िंदगी करना भी सिखाता है। तो ये इस सब्जेक्ट की अहमियत है। इसके अब हम आते हैं इस तरफ के, जैसे दूसरे मजामीन के अंदर उन्होंने, पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि कुछ एकेडमिक्स जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी इवेल्यूएशन होगी, और उसके बाद फिर उन्होंने 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर जो है वो आप बनाया है। ये तमाम सब्जेक्ट के अंदर एक जनरलाइज सा उन्होंने एक फार्मूला रखा हुआ है। अब फ़िलासफ़ी के जो पेपर होता है जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, चूँकि ये पोस्टें जो हैं कॉलेजेस से मुतल्लिक हैं, कि यहाँ से आपने पब्लिक सर्विस कमीशन से क्वालिफाई करके आपने जो हमारे पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं उसके अंदर जाके आपने पढ़ाना है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कोर्स, ये जो सिलेबस बनाया जाता है पेपर के लिए, या पेपर का जो पैटर्न होता है
उसमें जो फिलॉसफी के बुनियादी मजामीन हैं, जो बुनियादी कोर्सेस हैं जो आपने ऑनेस्ट लेवल के ऊपर या मास्टर लेवल के ऊपर पढ़े होते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। और मोस्टली इसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में आ जाता है, जिसमें ग्रीक फिलॉसफी भी है और फिर जो मॉडर्न टाइम फिलॉसफी है जिसमें रैशनलिज्म है, एम्पिरिसिज्म है, कांट, हेगल वगैरह तक ये सिलसिला चलता है। इसी तरह से मुस्लिम फिलॉसफी के बारे में भी इसके अंदर सवालात होते हैं, जिसमें शुरू में दो जो बड़े मकातिब हैं अशराइट्स मोतज़िलाइट्स, उनके ऊपर सवालात होते हैं, सूफीज़म के ऊपर सवालात होते हैं, और फिर इसके बाद जो हमारे मुख्तलिफ मुस्लिम फ़लसफ़ी हैं, किंदी, फ़राबी, इब्न सीना, गज़ाली, इब्न खलदून, इब्न तुफैल, इनके बारे में सवालात किए जाते हैं। इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो एथिक्स का भी होता है। एथिक्स के अंदर आप देखेंगे कि इसमें जो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है या जो एक रिलेटिव अप्रोच है, डियोन्टोलॉजिकल अप्रोच है और टेटोलॉजिकल अप्रोच जो होती है एथिक्स के अंदर, यूटिलिटेरियनिज्म है, कांतियन सिस्टम है, इनके बारे में सवालात किए जाते हैं। इसके अलावा लॉजिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कॉलेजेस की सतह के ऊपर, इंटर लेवल के ऊपर या फिर अब जो एसोसिएट डिग्री है इसमें भी लॉजिक के कोर्सेस पढ़ाए जाएंगे, तो लॉजिक का एक अच्छा खासा पोर्शन होता है, इंडक्टिव लॉजिक के हवाले से, डिडक्टिव लॉजिक के हवाले से, जो फॉर्मल लॉजिक है उसके हवाले से भी, फिर जो लॉजिकल फैलसीज होती हैं इनके बारे में भी सवालात आपको इन पेपर्स में नज़र आएंगे। तो इसके अलावा जो फिलोसॉफिकल मूवमेंट है दुनिया के अंदर, बड़ी पॉपुलर मूवमेंट्स है जो मॉडर्न टाइम के अंदर हम उसको कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट भी बार दफ़ा कह देते हैं, जिसमें लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, और फिर ये जो लिंग्विस्टिक फिलोसफी की ट्रेडिशन है इसके बारे में भी सवालात शामिल होते हैं। तो मैं जो हमारे कैंडिडेट इस पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अपीयर होना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो इस ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है पेपर का और जिन मजामीन के बारे में मैंने अभी आपको आगाही दी है, इसको पर्टिकुलरली आपने देखना है। अच्छा, ये 80% होता है जो कि सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होता है, बाकी 20% जो है वो आपसे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो किए जा सकते हैं, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वही हैं जो आमतौर पे पब्लिक सर्विस कमीशन में या फिर सीएसएस के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आई होप के आप यकीनन जो ऑनर्स किया है या फिर मास्टर्स डिग्री की है तो आपने टेक्स्ट के साथ अपना ताल्लुक अभी तक बरकरार रखा होगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि आप कोई खलासे वगैरह या इन इस किस्म की चीज़ों के को मद्देनज़र रखें तैयारी करने में, आप टेक्स्ट को देखें। टेक्स्ट वो आपके पास किताब की सूरत में भी मौजूद है, वो आपको इंटरनेट से भी अवेलेबल हो सकता है, तो एक अच्छी तैयारी करें। और ज़ाहिर है कि इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसको सिर्फ पास करना मकसद नहीं होता बल्कि इसमें आपने कम्पीट करना है, और चूँकि एक सीट के लिए उन्होंने 5 कैंडिडेट्स को बुलाना है तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 सीटें हैं तो 15 कैंडिडेट जो हैं यानी 14 लोग आपके मुकाबले में होंगे, तो कंपटीशन के लिए आपने अपने जो फिलोसॉफिकल मसल्स हैं उनको ज़रा मजबूत रखना है। बहुत शुक्रिया।